सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ दीपा डेसिलाविस्ट। अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ कि हमारा टेरिस गार्डन जो है विंटर सीजन में जो विंटर ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं उनके बारे में, कौन कौन से फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं विंटर सीजन में, और जो हमारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है विंटर सीजन में हमने अपने टेरेस गार्डन में उगा रखी है। इसके अलावा जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स आजकल उग रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उनके विषय में जानकारी देंगे और आप लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे हमने यहाँ पे तैयार कर रखा है उसको हम दिखाएंगे। तो देखिए, ये है हमारे टमाटर का पेड़ जो विंटर सीजन में हमको फ्रूट जो होता है वो देता है। इसके अलावा ये है हमारे गोभी के पेड़, ये देखिए, ये हमारे जो है ग्रीन वेजिटेबल्स में ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हमने की है। इसमें हमने लगा रखा है धनिया और साथ में राई के पौधे। ये हमारा है गोल्डन बेरी का फ्रूट प्लांट, साथ में ये सारे जो हमने उगा रखे हैं इनके लिए हमने ये देखिए पेटियां हैं, मछली की पेटियां, थर्माकोल की रीयूज हमने कर रखा है। जो इसमें मछली आती है उसके बाद ये मार्केट में सस्ते हमको मिल जाते हैं। आप इनमें मिट्टी तैयार किए, ऑर्गेनिक सॉइल हमारी है इसमें, नो केमिकल्स और बिल्कुल भरपूर मात्रा में आप रिच न्यूट्रिशन की फ्रेश वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये देखिए नीचे से हमारे ये विंटर ब्लूमिंग फ्लावर्स हमने गमलों में उगा रखे हैं। ये वाइट रोज, ये पिंक रोज, ये सारे गुलदाउदी, ये देखिए ये सारे वेजिटेबल्स फ्लावर्स। ये हमारी बेल है टमाटर की, ये जो विंटर सीजन में हमको अच्छी फ्रूटिंग देता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर सीडलिंग तैयार किए हैं अनियंस के, ये हम अपने किचन गार्डन में लगाएंगे और अपने साल भर की सब्जी ले सकते हैं। ये देखिए हमारे कुछ इसमें बंद गोभी हैं, कुछ फूल गोभी हैं, ये हमारा स्पिनेच पालक का कंपार्टमेंट आ गया, ये देखिए मेथी, मेथी है, ग्रीन वेजिटेबल्स जाड़ों में इसकी सब्जी आप लेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, इसकी तासीर गर्म होती है। इसके अलावा हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमारी ब्रोकली लग रही है, ये ब्रोकली का छोटा सा यहाँ पे फ्लावर आ रहा है। ये ब्रोकली, ब्रोकली प्लांट्स, ये देखिए ये हमारा चिली प्लांट, बीच बीच में मिक्स्ड क्रॉपिंग हमने की है। ये देखिए ये सारे हमने दोमट मिट्टी बना रखी है। इसमें होता क्या है, जब सॉइल दो मिट्टियों का
हमने मिक्सर बना रखा है, इसमें सैंड प्लस ऑर्गेनिक मैन्यूअर प्लस आप हड्डी का चूरा भी आप डाल सकते हैं। किचन गार्बेज हमने इसमें डाला हुआ है। इससे क्या होता है, मिट्टी जो होती है हल्की हो जाती है और भुरभुरी हो जाती है, और उसमें एयर और वाटर जो है आसानी से उनकी निकासी हो सकती है। ये हमने ग्रो बैग बना रखे हैं, ये देखिए, ये इनमें सॉइल तैयार करके और फिर नई फसल उगाएंगे। ये देखिए हमारा मेडिसिनल प्लांट अश्वगंधा, यहाँ पे ये हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स, ये हमने लहसुन, ये हमारी तुलसी है जो हम चाय में यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे पॉट प्लांट्स हमने तैयार किए हैं, डिमांड आई थी तो ये देखिए हमारे फ्लावर प्लांट्स हमने पॉट में तैयार किए हैं। ये जब जब डिमांड आती है तो हम ये सारे पॉट प्लांट्स तैयार करके सेल कर देते हैं। फ्लावर्स प्लांट हैं, इसके साथ साथ ये हमारा, ये देखिए ये सारे प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स, रोज प्लांट, ये सक्यूलेंट प्लांट्स, सारे विंटर फ्लावर्स सारे हमने लगा रखे हैं। स्ट्रॉबेरी की, स्ट्रॉबेरी का पोर्शन आ गया, ये देखिए स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, ये मेडिसिनल प्लांट्स, सफ़ेद मूसली, ये हमारा लेमन ग्रास है। अगर इसको चाय में डालेंगे सुबह सुबह तो आपको अदरक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अदरक जैसा टेस्ट होता है। ये सारा, ये हमारा आ गया नस्टर्सियम का पौधा, साथ में ये हमारे सीडलिंग ग्रो कर रहे हैं, ये सिनेरिया प्लांट्स जो होता है, सिनेरिया जो फ्लावर होता है उसके लिए हमने सीडलिंग तैयार की है। देखिए छोटे छोटे ये पॉट्स में, बाद में हम इसको शिफ्ट कर देंगे बड़े पॉट्स में। ये देखिए सारा, इसके अलावा हमारे मेडिसिनल प्लांट्स का फिर हमने बना रखा है एक कॉर्नर, वो दिखाते हैं आपको। ये सारे, अगर आप इस तरह से अपने टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में आप वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे तो क्या होगा, केमिकल्स आपके बॉडी में नहीं जाएंगे और जो थोड़े बहुत केमिकल्स हैं वो भी डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आप लेंगे, ये हमारा आ गया मेडिसिनल प्लांट्स का पोर्शन। ये देखिए ये करी पत्ता हो गया, ये है रोजमेरी का प्लांट, और ये हमारा छोटा सा खुमानी का पेड़ है, इसमें खुमानी रखती हैं। और ये हमारा बॉटल ब्रश, ये हमारा पारिजात का प्लांट है, इसके अगर फ्लावर गिर गए तो हम उसको खीर में डाल लेते हैं, बहुत सुंदर टेस्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और आपके बॉडी में छोटी मोटी जो डिजीज़ हैं उससे भी आप निजात पा सकते हैं। इसकी लीफ का आप काढ़ा बना लीजिए, चाय बना लीजिए। ये देखिए, इसके अलावा और भी है, ये जो हमने अपने घर की छत में गमले लटका रखे हैं, उनमें फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, विंटर फ्लावर्स। ये देखिए Thank you.
बालकनी गार्डन हमारा, ये देखिए इस प्रकार से ये है हमारी। देखिए अब मैं दिखाती हूँ, ये कॉलीफ्लावर हमारा तैयार है थोड़े दिनों में खाने के लिए। और फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये ब्रोकली हमारी, ब्रोकली तैयार हो रही है। ब्रोकली प्लांट्स हमारे हेल्दी हो रहे हैं। देखिए ये हमारा इसमें आ जाएगा कैबेज, कैबेज तैयार हो रही है। बंद गोभी, ये हमारे चिलीज, ये कैप्सिकम हमारा जो है मैच्योर फॉर्म में है। अब इसके सीड बनाएंगे। ये देखो टोमेटो, ये अब दाल में डालेंगे। और मार्केट से जो टोमेटो लोगे उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में अंतर होगा। ये देखिए ब्रोकली की छोटी छोटी नॉट्स। उसके अलावा ये देखिए हमारे लहसुन के प्लांट्स, सुंदर सुंदर ग्रो बैग्स में इस तरह से हमने पूरे एरिया को कवर कर किया है। इसमें भी हमने छोटे छोटे ये पॉट्स हैं, इन पॉट्स में भी हमने सीड डाल रखे हैं। ये देखिए ये पॉट प्लांट्स। तो इस तरह से विंटर सीजन में हमने जो वेजिटेबल्स और फ्लावर्स ग्रो किए हैं ये बहुत हेल्दी हो रहे हैं। और हेल्दी होने का कारण इनकी नियमित देखरेख है। तो मेरे हस्बैंड गार्डनिंग में लगे रहते हैं और हम सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स खाते हैं। और इस प्रकार से अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो आप भी अपने घर में सुंदर सा गार्डन ऑर्गेनाइज कीजिए, एस्टैब्लिश कीजिए और भरपूर मात्रा में सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स का आनंद लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और साथ में आपसे आज विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई सुबह के साथ। फिर से आप लोगों का धन्यवाद।